अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ढाबा और रेस्टोरेंट में जिस तरीके से मसाला बनते हैं, आज उसी तरीके से हम बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। खड़े गरम मसाले में हमने लिया है 2 चम्मच लौंग, 2 चम्मच काली मिरी, 1.5 चम्मच हरी इलायची, 2 चम्मच साबुत धनिया, 2 चम्मच चक्रफूल, 1.5 चम्मच जावित्री, 2 चम्मच दालचीनी, 8 से 10 हमने बड़ी इलायची लिया है, और उसी के साथ हम लेंगे 1 जायफल नटमय, और हमने यहाँ लिया है सौंठ, ये सूखी अदरक है। तो बारीक मसालों में भी हम देख लेते हैं। हमने यहाँ लिया है 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच सरसों, 1 चम्मच खसखस, 1.5 चम्मच साजीरा, 1.5 चम्मच सादा जीरा, 1 चम्मच तिल। आप साजीरा नहीं है तो आप 2 चम्मच सादा जीरा भी ले सकते हैं। तो हम पहले बारीक मसालों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। हमें मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए रोस्ट करना है इसे, ताकि ये अच्छे से भुन जाए और इसमें से अच्छी खुशबू आने लगे। देखिए चटकने भी लगा है। तो ये हो चुका है मसाला, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। और खड़े गरम मसालों में से हमने जायफल और सौंट को निकाल लिया है, इसे कट करके डालेंगे ताकि ये अच्छे से रोस्ट हो जाए। अभी गैस की फ्लेम बंद है, हम पूरे मसाले को डाल देंगे उसके बाद ऑन करेंगे। तो देखिए हमने इसे भी कट कर लिया है, अब गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और हमें इसे मीडियम फ्लेम पर पकाना है 5 से 7 मिनट, ताकि अच्छे से भुन जाए और हमें इसे ठंडा अच्छे से कर लेना है। उसके बाद हमें मिक्सी जार में पीसना है, इससे हमें एकदम फाइन सा पाउडर बनाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी मसाला परफेक्ट बने तो आप हर एक स्टेप को फॉलो करें, एकदम रेस्टोरेंट जैसा ही मसाला बनेगा और खाने में 2 गुना स्वाद आ जाएगा। एक बार ज़रूर इस तरीके से मसाला बनाइए। हमने एकदम फाइन सा पाउडर बना लिया है इसका, इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। आप इसे एयर टाइट डब्बे में भर कर रख दीजिए और फिर यूज़ कीजिए। तो बिल्कुल तैयार है हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल गरम मसाला, तो एक बार ज़रूर से ट्राई करें।